गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेके आता हूँ। आज भी उसी सीरीज़ में हम एक आर्टिकल लेके आए हैं और ये आर्टिकल बात कर रहा है जो कि इंडिया में लेबर पावर का क्या स्टेटस है। इंडियाज सब ऑप्टिमल यूज ऑफ इट्स लेबर पावर। सब मतलब छोटा, ऑप्टिमल होता है मैक्सिमम यूज, तो उससे कम यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है लेबर पावर का इंडिया में। कैसे? जो भी, अगर मान लो आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मैं बता देता हूँ, द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जितना भी कंटेंट होगा आपके स्पोकन इंग्लिश और मेन्स आंसर राइटिंग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस आर्टिकल की बात करते हैं। ये कह रहा है कि इंडिया सपोर्ट ऑप्टिमल, मतलब मैक्सिमम यूज नहीं हो रहा है लेबर पावर का। ये मैत्री घातक और मरिलिनी झा दोनों ने मिलकर लिखा हुआ ये आर्टिकल। इन्होंने कहा है कि इस में बताया गया कि इनफॉर्मल जॉब कर रहे हैं आदमी। इनफॉर्मल जॉब मतलब होता है जिसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ इंसेंटिव नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो मेजोरिटी ऑफ आदमी इंडिया के यहाँ पे काम करते हैं। और रिसेंटली अब जो 24-25 का हमारा बजट आया था उसमें बताया गया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया है और इम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। तो उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कैसे दिखा रहे हैं जो डाटा में। फिर आगे ये कह रहे हैं कि अर्निंग के मामले में कैसे हम चल रहे हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज है। आपको पता है 2040 तक इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज है, मतलब इसमें जो एवरेज एज है हमारी 29-30 के आसपास रहेगी, पूरी पॉपुलेशन का एवरेज निकालेंगे तो, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव एज में है और हम मैक्सिमम यहाँ पे पॉपुलेशन हो चुकी है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो इन चीज़ों को एनालिसिस किया है, इसको मैंने इजी वे में पढ़ाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट यहाँ पे कंटेंट यूज कर सकें और इस चीज उस चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। देखो यहाँ पे बात की गई, मोस्ट इंडियंस डिपेंड ऑन द लेबर इनकम रादर देन द इनकम फ्रॉम कैपिटल और लैंड और ओनरशिप। तो यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल में कि भाई मोस्ट इंडियंस, ज़्यादातर जो इंडियन हैं वो डिपेंड रहते हैं लेबर इनकम रादर देन द इनकम फ्रॉम द कैपिटल और लैंड ओनरशिप। कैपिटल क्या होता है? जो आपके पास पहले से ही पूंजी होती है। कैपिटल कैसे पूंजी? जो पीछे से चली आ रही है, कोई मशीनरी है आपके पास या कोई पहले से जमीन है, तो या लैंड ओनरशिप। तो ज़्यादातर आदमी अपनी कमाई जो करते हैं लेबर से ही करते हैं, जो मेहनत करके आते हैं उससे नहीं आती है जो कैपिटल है, कोई मशीनरी लगा रखी है, कोई इक्विपमेंट है या कोई लैंड ओनरशिप है। अराउंड 90% ऑफ इंडियन वर्क फोर्स इज इम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये बात पॉइंट याद रख सकते हैं, 90% आदमी इनफॉर्मल काम में है, तभी आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग रहे हैं ना, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की फोकस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, फॉर्मल जॉब है, आगे आपके लिए प्लान, इंश्योरेंस, हेल्थ वगैरह बेनिफिट मिलते हैं। विच इज़ कैरेक्टराइज बाई द लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कैरेक्टराइज मतलब इसको एक ऐसे दर्शाया गया, कैरेक्टराइज जैसे कैरेक्टराइज होता है किसी को, उसका जो होता है ना चरित्र को दर्शाना, तो कैरेक्टराइज बाई ए लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। इनफॉर्मल जॉब में सिक्योरिटी नहीं रहती, बेनिफिट्स नहीं रहते या सोशल प्रोटेक्शन या सामाजिक प्रोटेक्शन नहीं रहती, पेंशन वगैरह, एंड लोअर अर्निंग, कम कमाई होती है। द इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स कैजुअल लेबर। जो कैजुअल लेबर जो होता है कि कभी कभी, मतलब आमतौर पर जो काम करते हैं, कभी कभी जॉब मिलती है उनको, या सेल्फ एम्प्लॉयड, या खुद ही कुछ काम कर रखा है इंडिविजुअल्स, जैसे कोई पान की दुकान खोल रखी है ऐसे, एंड इवन सम रेगुलर वेज या सैलरीड वर्कर। कुछ जॉब ऐसे आते हैं जो फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं, सैलरीड जॉब तो है बट वो इनफॉर्मल है, कभी भी निकाल सकते हैं। द जीडीपी ग्रोथ होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितने में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जितना प्रोडक्शन होता है या सर्विसेज होती है, इसको एक्सक्लूड करते हैं जो फॉरेन कंट्री की होती है। विच ऑफन डोमिनेट्स इकोनॉमिक हेडलाइंस, जो हमेशा डोमिनेट करती है, डोमिनेट होता है कि हेड हो होता है कि जो लाइमलाइट में आती है हमेशा। इकोनॉमिक हेडलाइंस मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल इंप्रूवमेंट। कई बार कहते हैं कि भाई जीडीपी ग्रोथ हो गया, 7% की ग्रोथ पे चल रहे हैं पिछले ईयर सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो वो जस्ट एक्चुअल इंप्रूवमेंट नहीं दिखाता। इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द मासेस, द वेलबींग ऑफ द मेजोरिटी डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द लेबर मार्केट। तो वेलबींग देखेंगे ना, तो आदमी की जो सही उसकी वेलबींग होता है कि वो ठीक रहेगा, किसका? मेजोरिटी डिपेंड्स ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट कैसे परफॉर्म्स कर रही है, वैसे ही आदमी की जो वेलबींग है उसकी ठीक, उसका हाथ रहेगा या उसके पास पैसा रहेगा। स्पेसिफिकली बात करें तो वेदर न्यू जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, क्या नई जॉब आई है मार्केट में,
वेदर बेटर क्वालिटी जॉब आज बिंग क्रिएटेड या कोई अच्छी क्वालिटी की जॉब बनाई है, या ऐसी नहीं कि लोअर लेवल की जॉब है, या वेदर वेजेज आर इंक्रीज या पैसा आदमियों के जो पेमेंट है वो इंक्रीज हो रही नहीं हो रही, तो ये पैरामीटर होते हैं, ये लेबर मार्केट पर डिपेंड करते हैं इनके आदमी की कंडीशन पे, वेलबींग पे। अब रिसेंटली डाटा आया था कि से PLFS से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे शोज इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट दिखाएं दी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि ये जो PLFS का डाटा है उसने दिखा कि भाई लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है एंड ए डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और आदमियों की बेरोजगारी कम हुई है, ड्रीवन जिसको चलाया जा रहा है इसके लार्जली बाई दी वुमेन इन रूरल एरिया, गांव में औरतों को जो मिले। कल हमने आर्टिकल जाना था कि कल क्यों इंटरनेशनल वुमेन डे था, ये बताया गया था कि अभी 36% जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वुमेन का वर्कफोर्स में। तो हाउएवर हालांकि डीपर एनालिसिस करेंगे, अगर विवेचन करेंगे, रिवील करता दिखाता है दैट दीज इंप्रूवमेंट्स आर प्राइमरली ड्रीवन बाई एन इंक्रीज इन सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो ये बताया गया ना कि नौकरी बढ़ी है, तो सिर्फ ये सेल्फ इंप्लॉयमेंट में आदमियों ने खुद का काम एस्टेब्लिश किया है, पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ अनपेड फैमिली वर्कर्स। अनपेड फैमिली वर्कर्स मतलब क्या होता है, जो लेडीज गांव में रहती हैं वो काम घर का काम करती हैं, हाउस होल्ड चोर्स करते हैं, उनको इंक्लूड कर लिया गया है अभी फैमिली वर्कर्स में, इसलिए परसेंटेज बढ़ गया है ऑटोमेटिकली विद इन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में जो फैमिली वर्कर हैं घर पे काम करती हैं औरतें, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया, इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अच्छा दिख रहा है 2024-25 के बजट में। द प्रोपोर्शन या पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे में द प्रोपोर्शन जो भाग है एम्प्लॉयर्स जो नौकरी देने वाले होते हैं हु एम्प्लॉय आउटसाइड लेबर हैज इंक्रीज मार्जिनली, जो एम्प्लॉयर हैं जो नौकरी देने वाले हैं तो उनका मार्जिनली बढ़ा है, बिल्कुल छोटा सा बढ़ा है। वाइल द बल्क द ग्रोथ हैज कम फ्रॉम द अनपेड फैमिली वर्कर्स, ग्रोथ आई है जो अनपेड फैमिली वर्कर्स आई है, विच हैज इंक्रीज 26% जो बढ़ गया टू 31.4% बिटवीन 17 से लेके 2022 तक, मतलब 5 साल में, पहले 26% था अब अभी 31% हो गया, मतलब जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है औरतों का घर में हाउस होल्ड वर्क को उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली 26 से 31% हो गया। हालांकि एम्प्लॉयर जो जॉब देने वाले हैं उनकी तो परसेंटेज बिल्कुल कम बढ़ी है। वाइल एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट मतलब टोटल नंबर देखेंगे तो वर्कर्स इन ईच एम्प्लॉयमेंट टाइप, हर जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है जैसे रेगुलर वेज है या सैलरी जो वाला बंदा या कैजुअल लेबर है या सेल्फ एम्प्लॉयड है इज इंक्रीजिंग। एब्सोल्यूट नंबर परसेंटेज तो इतना ही है बट एब्सोल्यूट नंबर में आदमी बढ़ गए क्योंकि पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई ना, तो एब्सोल्यूट नंबर में तो बढ़ गए। द शार्पेस्ट राइज इन द सीन इन द प्रोपोर्शन ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, तो अनपेड फैमिली लेबर जो हाउस होल्ड औरतें हैं घर में काम करते हैं उनको इंक्लूड कर लिया गया इसलिए वर्क में। ओन अकाउंट वर्कर्स जैसे रनिंग ए स्मॉल शॉप, कोई छोटी दुकान चला रहा है या सेलिंग टी एंड स्नैक्स, कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट चंक ऑफ द एम्प्लॉयड पॉपुलेशन एट द अराउंड 30-35%। अगर हम टोटल लेबर फोर्स की बात करें तो 35% आदमी ऐसा जिसने छोटे मोटे काम कर रखे, अपने टी स्नैक्स वगैरह का काम कर रखा है, ओन अकाउंट वर्कर्स हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द अदर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी कोई है जैसे रेगुलर जॉब है, सैलरी वाला है, कैजुअल लेबर है, ओन अकाउंट वर्कर्स हैज ड्रॉप ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफ्लेक्टिंग ए वर्सनिंग ऑफ द फैमिली ऑफ वर्क बींग डन बाय द वर्क फोर्स। तो ये कह रहे हैं कि भाई जितने भी वर्क फोर्स अपने घर का ही काम कर रही है, कोई नया वर्क जनरेशन नहीं हुआ है, मोस्ट ऑफ द 35% आदमी जो ये है कि भाई अपने सेल्फ ओन अकाउंट वर्कर्स हैं जो खुद का ही अपना दुकान खोल के बैठे हैं। द सीमिंग डायनेमिज्म क्या था, चेंजिंग इन द लेबर मार्केट हैज कम फ्रॉम द सब कैटेगरी ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ गए, सब कैटेगरी बना दी उसकी जो घर पे काम कर रहा है, हाउस होल्ड वर्क कर रही है, ये डायनेमिज्म इसलिए थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है। विच इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जिसको इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, प्रीकेरियस जो होता है, डेंजरस अनसर्टेनिटी है इन नेचर, रेजिंग कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बींग क्रिएटेड, कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है। द एग्रीगेट होता है मतलब अमालगमेशन या टोटल जो होता है, टोटल रियल डेली अर्निंग अक्रॉस इंडिया इंक्रीज बाई 4%, मतलब हर एक आदमी की डेली अर्निंग जो है अक्रॉस इंडिया में 4% बढ़ी है बिटवीन 17 से लेके 2022 तक 5 साल में, सिर्फ 4% बढ़ी है विद एन इंक्रीज ऑफ 10-14 रुपये इन रूरल एरिया, अर्बन एरिया में प्राइस 2010 के कंपैरिजन में 10-14 रुपये बढ़े हैं एक आदमी की कमाई के, कितना मिनिमल है। हाउएवर हालांकि द ओवरऑल इंक्रीज इन अर्निंग वॉज नॉट यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म नहीं सब के आदमियों के एक जैसी पेमेंट नहीं बढ़ी अक्रॉस डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज, एवरेज अर्निंग ऑफ वेज या सैलरीड वर्कर्स हु टिपिकली हैव द हाइएस्ट अर्निंग, मुश्किल से जिसकी हाइएस्ट अर्निंग होगी स्टेगनेटेड रुक गई है ड्यूरिंग दिस पीरियड शोइंग नो रियल इंक्रीज, मतलब किसी की सैलरी में ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, स्टेगनेंट हो गई है। सिमिलरली सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी जो खुद का काम खोल के बैठे हैं ऑल्सो डिड नॉट सी एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रियल टर्म्स, दिस कैटेगरी द कैटेगरी दैट सॉ नोटेबल इंक्रीज इन अर्निंग्स वॉज कैजुअल वर्कर,
अगर मान लो नोटेबल इंक्रीज, थोड़ा सा नोटेबल मतलब थोड़ा सा जिसको नोटिस किया जा सकता है ऐसा इंक्रीज हुआ है अर्निंग में, कमाई में, कैजुअल वर्कर हैं हुज एवरेज डेली अर्निंग रोज बाई 20%, कैजुअल वर्कर्स हैं उनकी थोड़ी सी मेहनताना बढ़ गया, जो किसको 400 रुपये मिल रहे थे उसको 420 रुपये मिलने लगोगे, मतलब 100 मिल रहे थे तो 20% 120 रुपये मिलने लगे उसको, प्रो 162 196 रुपये, मतलब 162 रुपये मिल रहे थे उसको अभी 196 रुपये मिल गए दिहाड़ी करने वाले को 2010 के प्राइजेस के कंपेरिजन में। दिस वॉज प्राइमरली ड्राइवर ऑफ द मॉडरेट इंक्रीज इन ओवरऑल एवरेज अर्निंग। तो इसलिए जो ये लेबर की पेमेंट बढ़ गई है इसलिए थोड़ा सा इसमें 20% का बोल सकते हैं। वाइल इंक्रीजिंग द कैजुअल वर्कर्स अर्निंग इज पॉजिटिव, कैजुअल वर्कर की थोड़ी सी अर्निंग में बढ़ोतरी हुई है, द कंटेक्स्ट इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन विद ए 30 डे वर्क मंथ, मतलब महीने में 30 दिन काम मिलता, कैजुअल वर्कर्स वर अर्निंग अराउंड 6,000 पर मंथ 2010 की प्राइस के कंपेरिजन में, विच इज बेयरली अबव पॉवर्टी लाइन, जो मुश्किल से पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, जो 6,000 रुपये पर मंथ कमाता है। द मोस्ट डिजायरेबल कैटेगरी ऑफ रेगुलर वेज या सैलरी वर्कर डिड नॉट सी एनी रियल इंक्रीज, रेगुलर वेज है सैलरी सैलरी वाला वर्कर है उसकी पेमेंट में बढ़ा नहीं है, डिड नॉट सी एनी रियल इंक्रीज इन देयर शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑन एवरेज अर्निंग, वास्तव में 20% सैलरी वर्कर्स एक्सपीरियंस ए ड्रॉप इन देयर रियल डेली वेज अर्निंग, मतलब जो बहुत सारे सैलरीड वर्कर हैं उनकी पेमेंट तो कमी हुई है, जो कैजुअल लेबर में काम करते हैं उनकी में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। मोर देन 3/4 मतलब 3/4 साल के जो 3-9 महीने हैं, एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इंडिया इज एंगेज इन द लो प्रोडक्टिविटी वर्क, मतलब लो प्रोडक्टिविटी वर्क में जिसकी ज्यादा आउटपुट नहीं रहती उसी इन में रहते हैं साल में 9 महीने, सच एज ओन अकाउंट वर्कर्स खुद का काम करते हैं या कैजुअल वर्कर हैं, और अनपेड फैमिली वर्कर्स हैं या घर में काम करते हैं औरतें, कैजुअल वर्कर जो कभी कभी काम मिलता है, ओन अकाउंट वर्कर खुद की दुकान खोल के बैठा है। दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता की बात है, नॉट ओनली फ्रॉम ए वेलफेयर परस्पेक्टिव से ही चिंता की बात नहीं है, बट ऑल्सो द ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लीकेशन, तो ये ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लीकेशन भी आते हैं इसमें, मैक्रो बहुत बड़े बड़े वैल्यू की बात है। इंडिया इज करेंटली इन द मिडेस्ट होता है इन बिटवीन ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड, डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड मतलब 2040 तक यहाँ पे मैक्सिमम जवान आदमी हो जाएंगे, तो यहाँ पे कह रहे हैं मिड में हम, विच इज एक्सपेक्टेड टू पीक इन लेस देन 20 ईयर्स, तो मतलब 20 साल में पीक पे पहुंच जाएगा या एग्जॉस्ट खत्म हो जाएगा रफली 32-35 ईयर, 35 साल के बाद यहाँ पे बूढ़े होने लगेंगे। ड्यूरिंग दिस क्रूशियल पीरियड ऑफ पोटेंशियल लेबर प्रोडक्टिविटी गेंस का टाइम चल रहा है, ए मेजोरिटी ऑफ वर्क फोर्स इज इंगेज इन लो क्वालिटी लो प्रोडक्टिविटी वर्क, रिप्रेजेंट कर रही है सब ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमल तो मैक्सिमम सब मतलब उसे नीचे तौर का यूटिलाइजेशन हो रहा है इंडिया की लेबर कैपिटल का। एडिशनली इसके साथ की बात करें तो स्टेगनेंट अर्निंग ऑफ ए सिग्निफिकेंट पोर्शन, स्टेगनेंट रुक गई है कि अर्निंग कमाई आदमी की सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स हु टेंड टू हैव ए हायर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी होता है जिसका झुकाव रहेगा कंज्यूम खर्च करने में, डू नॉट बोर्ड वेल, मतलब बोर्ड वेल क्या होता है, बोर्ड का मतलब होता है जैसे कोई शुभ संकेत होता है ना, अच्छा शुभ संकेत नहीं है, करें डू नॉट बोर्ड वेल, इसकी अच्छा संकेत नहीं है फॉर कंज्यूमर डिमांड इन द इकोनॉमी, क्योंकि पता है आपको कंज्यूमर की डिमांड होगी खर्चा करेगा तभी तो इकोनॉमी रिवाइव होगी। दिस इज पर्टिकुलरली कंसर्निंग गिवन द स्टडी डिक्लाइन, मतलब जो डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है GDP रेशियो में, रेजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ विशियस साइकिल, एक विशियस साइकिल में चले जाएंगे लो प्रोडक्टिविटी में, स्टैग्नेट इनकम आदमी की इनकम रुक जाएगी एंड वी कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर डिमांड कम हो जाएगी। तो ये इकोनॉमिक्स की टर्म है कि ऐसे ऐसे है, आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव से, और यहाँ से आप बहुत सारा कंटेंट लिख सकते हैं कि भाई औरतों का तो 36% है अभी इनफॉर्मल जॉब में, या जो ओन अकाउंट वर्कर्स हैं खुद की दुकान खोल के बैठा है, या हाउस होल्ड वर्कर को बढ़ाने की वजह से पीरियोडिक लेबर फोर्स पर सर्वे का डाटा आ रहा है कि इन्होंने अपनी इंक्रीज कर लिया है, बाकी जो पर आदमी की जो लेबर है लेबर के 20% जो बढ़ी है और उससे 162 से 192 हो गया, जो लगभग 6,000 रुपये महीना कमा रहा है वो थोड़ा सा मार्जिनली ऊपर गया है अपने बिलो पॉवर्टी लाइन की जो कैटेगराइजेशन है उससे, और इनफॉर्मल जो सैलरीड वर्कर है सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पैसे बढ़े नहीं है, और 90% जो पॉपुलेशन है इनफॉर्मल जॉब में काम करती है, इसलिए आदमी सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन है अभी। जैसे अगर हम बात करें जैसे जो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी उससे तो ज़्यादा कमाई होती है आदमी की, कैपिटल से या लैंड से ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है। अगर बात करेंगे हम लेबर मार्केट अच्छी होगी तभी हमारे एक देश की इकोनॉमी होगी, क्योंकि आदमी के पास पैसा होगा तो खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक रिवाइव कर जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन में डालिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच, बाय।